अशोक तारा जी भी हमारे साथ है। सर आप तो इस वॉर के हीरो रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा क्या हासिल हुआ, लेकिन क्या हमने ये हासिल नहीं किया कि करोड़ों बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में आ रहे थे, कई तरह की परेशानियां होती, हमने रोका, एक स्ट्रांग कंट्री का मैसेज दिया, पाकिस्तान का गुरूर तोड़ा, आज बांग्लादेश के साथ इकोनॉमी बेहतर है, कश्मीर को लेकर चर्चाएं हो सकती जो बातें बीजेपी नेता ने उठाई, बाकी मेहमान भी कह रहे हैं, हालांकि उसके पहले भी था जब कबायलियों ने हमला किया था, हमने खदेड़ा था, लेकिन अगर इफ बट से हटे तो आज 50 साल बाद क्या पाकिस्तान को एक बड़ा सबक नहीं दिया हमने, जो उसे भूल नहीं पा रहा, वो आज भी नहीं भूल पा रहा और वो जख्म हमेशा उससे परेशान करता रहता है। जैसा मेरे साथियों ने बताया, मैं उनसे बिल्कुल मानता हूँ कि अगर उस टाइम के जो नेता, जो पॉलिटिकल नेता थे, अगर वो उस जो नेगोशिएशन किया और उस टाइम पर थोड़े से मजबूर रहते, अपनी नेतागिरी, नेता की जो शक्ति होती है वो दिखाते, तो शायद आज भारत को जो कश्मीर के अंदर पंजाब में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आती। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जीत लेने के बाद, भारत की जो आर्मी की जीत है वो उसमें हमारी है, लेकिन जहां राजनीति की जीत है उसमें उनकी हार है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई वो तीनों जो अंग है फौज के, उनके मिलाप के साथ, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ, वो फौज के जो लीडर थे उस टाइम पर, मानक शाह, जनरल रा, वो एयर फोर्स के, नेवी के, ये उनकी हिम्मत है। लेकिन सर अभी शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र हुआ और आप मुझसे अभी बता रहे थे कि कैसे आपने शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात की, कैसे आपने वहाँ शेख हसीना को बचाने में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई, थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में आप बता सकते हैं उस वक्त क्या हुआ था? जैसे सब जानते हैं, 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारतीय फौज और बंगला फौज के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा होने की वजह से इतना नहीं था, तो जो बाहर के इलाके थे, जो स्टेडियम से जहां सरेंडर किया था वहां पर वो ये मैसेज नहीं मिला और रेडियो कम्युनिकेशन भी काट दिए गए थे। जब मैं एयरपोर्ट पर, ढाका एयरपोर्ट का हमने कब्जा किया था, मैं सिक्योर कर रहा था, तो मुझे हुक्म मिला कि आप उसको सिक्योर करिए, क्योंकि इस तरह से सवेरे VIP आएंगे। अभी मैं सिक्योर कर रहा था तो मुक्ति वाहिनी योद्धा आया और उसने बताया मेरे CO को कि शेख मुजीबुर रहमान, यानी कि आज की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, इनकी फैमिली पाकिस्तानी कैद में है और किसी टाइम पर इनको मार दिया जाएगा। उस टाइम पर नाजुकता, जो सेंसिटिविटी होती है सिचुएशन की, उसको नहीं समझा और मुझे बोला आप जाओ और देखो क्या हो रहा है। मैं भी उसी चीज़ को देखता हुआ 2 जवान लेकर वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा काफ़ी भीड़ थी, घर से तकरीबन 100 से 150 गए और मैं घर को देख सकता था, जिसके ऊपर बंकर थे, जिसके गेट पर बंकर था, एक अंडर पीछे था, 3 बंकर थे और जिसके ऊपर LMG थी। जब मुझे रोक दिया गया और बोला कि जो भी यहाँ से गुजरता है उसको हम गोली मार देते हैं, और उन्होंने मुझे एक जो गाड़ी थी जिसमें गोली लगी हुई और एक मीडिया आदमी था जिसकी डेड बॉडी वहाँ थी। अभी मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा था, अगर मैं अपने कमांडर से पूछता तो वो सवाल पूछते, फौज आती, टाइम लगता, मेरे पास 2 आदमी थे, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता था। तो इस चीज़ को देखते हुए कि अंदर जो घर के अंदर उनकी मैंने जान बचानी है, तो मैंने अपना हथियार, जो वेपन था, मैंने जवानों को दे दिया और खुद बिना हथियार के मैं उस घर की तरफ चल पड़ा कि मैं उनको अपने गट्स, विट्स या साइकोलॉजिकली उनको सरेंडर करने के लिए बोलूँ। मैं जब उनके पास पहुँच गया गेट के पास, उन्होंने मुझे वार्निंग दिया, मुझे डराया, उन्होंने बाहर गोली भी मारी बाहर की तरफ मुझे डराने के लिए। मैंने उनको समझाया, वो कहते हैं अपने बड़े कमांडर से बात करेंगे, लेकिन जो अंदर थे बैठे, आप मिलिए शेख मुजीबुर रहमान से, हाँ, उसके बाद शेख हसीना इनको मैंने, और जो गेट पर सेंट्री खड़ा था उसकी राइफल मेरे पर टच कर रही थी, लेकिन मैंने ऊपर उनको बुलाया, वो लंबी बात 20-25 मिनट चली, उनको समझाया और फिर वो सरेंडर होने को तैयार हो गए। अभी ये सरेंडर हो गए, मुझे बीमारी इनको देखने के मिली। जब मेरी फौज बाहर चली गई ढाका से, मुझे बोला कि आप उधर रहेंगे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को पता लगा है कि आपने उनकी फैमिली को बचाया है। तो शेख मुजीबुर रहमान 10 जनवरी 1972 में आए और 12 जनवरी 1972 में उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मेरी बड़ी उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन जो मैं बात आज बताना चाहता हूँ एक ऐसे लीडर की, जो हमें शायद वो हमने खो दिया उस चांस का, कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी फैमिली ने क्या किया या वो दुख क्या सा है, उनकी बातों से पता लगा कि वो जो बंगाली बांग्लादेशी जो उन्होंने उनकी पाकिस्तानियों की हवानियत कवानियत को जो सफ़र किया है, जो जुल्म सफ़र किया है, वो
और पूरी दुनिया ने देखा भी है सर। हाँ, वो देखा भी है। और हवानियत से बढ़कर जो उनकी जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, उसको उन्होंने खत्म शुरू करने किया। बिल्कुल सर, और आपने जो किया उसके लिए हम सभी उसका, आपको उसका, नमन करते उसका हैं। मान खत्म किया, मान को खत्म कर दिया, और जो इकॉनमी है उसको खत्म, इन सबको मैं वापस कैसे लाऊं, ये वो लीडरशिप मैंने उनके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।